होम मिनिस्टर ने जम्मू में बोला कि जब भी यहाँ पे मिलिटेंसी राइज होती है तब आपका खानदान लंदन जाके बैठता है। मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वजीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी कुर्बान हुए, क्या मुझे वजीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहां तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बढ़ती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी, नई मतलब नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो, कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.